हाँ, विधानसभा 26 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। स्टिल वी आर अवेटिंग फॉर द नोटिफिकेशन। एंड इस बार करीब 21-22 दिवसों का कैसे वो होगा उसका एक हम प्रोग्राम कर रहे हैं। बाकी जो दिन बचे हुए हैं वो सब पूरा करने के लिए कोशिश में हम रहेंगे। हालांकि इस बार विधानसभा नवंबर लास्ट वीक में शुरू होने जा रहा है। डेफिनेटली दैट्स द प्रोसीजर। एंड सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा, इसके ऊपर चर्चा भी होगी, पारित भी होगी। साथ ही साथ कोई बिल भी आ सकता है, कोई लोकल समस्याएं और तत्काल समस्याएं, इसके ऊपर भी जैसे हमारा तरीका है, तरीके के आधार पर ऐसा होगा, चर्चा होगा। ज्यादा हंगामा नहीं, ये तो विशेष ये तो व्यवस्था ही ऐसा है। अपोजिशन तो अपोज करेंगे ही, कुछ विषय पर उनको अगर उनका अगर नाराजगी है उपस्थापन है और कहाँ करेंगे। विधानसभा ही प्रकृष्ट स्थान है, लेकिन सही तरीके से करना ये उचित होगा। और उनका काम उन्होंने किया है और शासक के पक्ष में भी उन जैसे उचित बर्ताव करना, जैसे उन विषयों के ऊपर चर्चा करना, राज्य की समस्याओं के बारे में विधानसभा के पटल पर बात रखना, ये सब हुई है। ये पारंपरिक चित्र है विधानसभा का, ऐसे रहेगा। लेकिन जब हम कुछ विषय रखते हैं तो ये एक विधायक के नाते अपना विषय सही ढंग से विधानसभा के पटल पर रखें, सत्य के आधार पर रखें, चर्चा में शामिल हों, ये जरूरी है। और विपक्ष भी कुछ विषय रखते हैं तो वही कायदा कानून के आधार पर वो भी करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। लेकिन विधानसभा के पटल के अतिरिक्त और बाहर कोई का कुछ कहने से भी कुछ संभव नहीं होता है। यहाँ ये विधि प्रणयन का स्थान है और यहाँ से ही समस्या समाधान का सूत्र निकलेगा। राजनीतिक दलों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करूंगी सब लोगों को कि ये एक विधायक के नाते अपना कार्य खूब अच्छी तरह से निर्वहन करें, क्योंकि सन 2024 का अंतिम तारीख तक हम पहुंच रहे हैं और इस साल सबके लिए शुभदायी हो, सबका समस्या समाधान के लिए ये साल में कुछ निष्कर्ष निकले और इसमें विधायकों का बहुत बड़ा गुरुत्वपूर्ण भूमिका है। और उस भूमिका को निर्वहन करने के लिए विधानसभा में जो 60 दिन का अवधि तय हुआ है, उस अवधि का ये अंतिम तिथि, शायद अंतिम समय है। उस समय में वो बखूबी अपना समस्याओं के बारे में चर्चा करें, उसका समाधान के लिए निष्कर्ष निकालें। यही शुभकामना मैं देती हूँ हर विधायकों को और उसमें उनके साथ जड़ित सभी प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि परस्पर आपस में नीति निर्धारण करी और प्रशासनिक अधिकारी, उनको उन दोनों का आपस में मेल के कारण ही समाज का विकास संभव होगा।